दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच आग की घटनाओं में भी इजाफा लगातार जारी है। यहां मंगोलपुरी में फेज वन इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए रोबोट को तैनात किया गया था। ऑस्ट्रिया से आए रोबोट ने थोड़े समय के बाद ही आग पर काबू पा लिया। फायर ऑफिसर अजय शर्मा के मुताबिक करीब 3 से 5 बजे मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन में सफल डेयरी के अपोजिट एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, लेकिन उसके बाद आग की लपटों ने साथ वाली फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। दमकल के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल और पाम ऑयल बनता है, जबकि दूसरी में किताबों का काम होता है। ये मंगोलपुरी में हमें रात को 3:04 पर ये फायर की सूचना मिली थी और मौके पर इनिशियली हमारा जो स्टैंडर्ड टर्नआउट है वो हमने करवा दिया था। तो जो पहले मौके पर इंचार्ज पहुँचे उन्होंने इस फायर को मेक 6 डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हमने तकरीबन 15-16 गाड़ियाँ भिजवा दी थी। और फिर कुछ समय के बाद इस फायर को मीडियम डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें हमने टोटल 26-27 गाड़ियाँ यहाँ पर भिजवा दी थी। अभी क्या स्थिति है? अभी जो सेंटर की जो फैक्ट्री है, इसमें एडिबल एंड हर्ब ऑयल का स्टोरेज था, उसमें आग लगी थी। उसकी वजह से साथ की 2 फैक्ट्रियों में भी आग लग गई थी। अभी पूरी तरह आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी कूलिंग ऑपरेशन जारी है क्योंकि बिल्डिंग में अभी हीट ज़्यादा है और कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें दोबारा से रीइग्निशन हो रहा है। क्या कोई कैजुअल्टी है सर? अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं है। रेस्ट पूरा बिल्डिंग में कूल हो जाने के बाद इसमें सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, उसके बाद ही कन्फर्म किया जाएगा। अजय शर्मा ने बताया कि 26 फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फैक्ट्री में लगी आग के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। जांच के बाद साफ होगा कि आग कैसे लगी थी। साथ ही फैक्ट्री के पास फायर एनओसी है या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।